आज दिवाली के अगले दिन जब हम यमुना के घाट पर आए हैं, यहाँ पर फिर से एक बार यमुना जी कितनी प्रदूषित है इसका अंदाजा मिलता है। इतनी मोटी परत है फोम की, और इस फोम की परत के पीछे कारण है कि जो 10 वर्षों में 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे यमुना जी की सफाई में, वो भ्रष्टाचार में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने खा लिए। अब क्या कर रहे हैं कि छठ पूजा से आने से पहले ये लोग फोम छिड़क रहे, डिफोमर छिड़क रहे, डिफोमर कॉन्सेंट्रेट, ये ब्लू डब्बे में आपको डिफोमर कॉन्सेंट्रेट दिख रहा है, ये छिड़क रहे हैं, और ये डिफोमर कॉन्सेंट्रेट से ऊपर से सतही रूप से तो ये साफ हो जाएगी, ऊपर से कॉस्मेटिकली साफ हो जाएगी, पर पानी प्रदूषित ही रहेगा, पॉइजन्स रहेगा, उल्टा और पॉइजन्स होगा। ये बोट के माध्यम से भी फोम हटाने जा रहे हैं, क्या इससे पानी साफ होने वाला है? 2025 में ये इतनी साफ होगी कि मैं डिप करूंगा, मैं सिप करूंगा, मैं डुबकी लगाऊंगा, ये सब वादे केजरीवाल ने किए थे। भाई वीरेंद्र सचदेवा जी ने एक डुबकी मारी, 4 दिन बीमार हो गए। अब छठ पूजा आने वाली है, छठ पूजा में महिलाओं के सेहत के साथ खिलवाड़ करने के लिए केजरीवाल जिम्मेदार है। दिल्ली को गैस चेम्बर बना दिया, मास्क लगाकर घूमना पड़ रहा है, दिवाली को दोष देते हैं, पंजाब को, पंजाब की पराली को भूल गए, यूपी को दोष देते, हरियाणा को दोष देते, और देखिए यमुना जी को पानी को भी इतना जहरीला बना दिया है तो आप सांस लेंगे तो फेफड़ा खराब, अगर आप पानी पियेंगे तो पेट खराब। दिवाली के पटाखे एक दिन की घटना है, पर लगातार AQI दिल्ली में 350 पार था, वो 10 दिन 15 दिन से चल रहा था। उसके पीछे कारण क्या? दिवाली के तो पटाखे कल बजे, और केवल पटाखों को और दिवाली को टारगेट करने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये वही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है जो शराब घोटाले से लोग छूट के आते हैं बेल पर तो पटाखे फोड़ते, तब वो क्लीन पटाखे होते हैं, वो पॉल्यूटिंग नहीं होते, वो सेकुलर पटाखे होते हैं, और ये बाकी पटाखे कम्युनल हो जाते हैं। ये पटाखे जो है ये केवल और केवल डिस्ट्रक्शन है। पहले पंजाब की पराली को दोष देते थे, अब पटाखों को दोष देते हैं, यूपी हरियाणा को दोष देते हैं। जो अंदरूनी कारण है दिल्ली के प्रदूषण का, उसके ऊपर 10 साल में काम नहीं किया।